बड़वाह के पास एक्वाडक्ट पुल के नीचे गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे स्थानीय लोगों को युवती गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जिसकी सूचना मोरटक्का पुलिस को दी गई। मोरटक्का पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवती को स्थानीय लोगों की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सनावत की रहने वाली वैष्णवी उम्र 20 साल पिता अंतिम राठौड़ की स्कूटी पुल पर ही खड़ी थी। इससे संभावना जताई जा रही है कि उसने नर्मदा में छलांग लगा दी होगी। मोरटक्का चौकी प्रभारी राजेंद्र सायदे ने बताया कि मोरटक्का पुल के नीचे किसी लड़की के घायल अवस्था में होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वैष्णवी अचेत थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत स्थानीय लोगों की सहायता से उसे बड़वाह के सिविल अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुरोध पर मृतका वैष्णवी के सबका पोस्टमार्टम हेतु सनावत शासकीय अस्पताल में किया जाएगा। शुक्रवार सुबह सबका पीएम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इधर घटना से स्तब्ध वैष्णवी के भाई और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मोरटक्का चौकी प्रभारी ने बताया कि वैष्णवी के इस कदम के पीछे क्या कारण है, इसकी जांच की जाएगी। घटना के कुछ घंटों पहले ही इंस्टाग्राम पर डाली थी कई रील्स इस घटना के बाद, जहां परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा है। वहीं मित्र एवं परिचितों में भी शोक की लहर छाई हुई थी। उनके अनुसार वैष्णवी इंदौर की इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। वह बेहद खुश मिजाज और सहयोगी स्वभाव की लड़की थी। घटना के कुछ घंटों पहले ही वैष्णवी ने अपने अकाउंट पर कई रील्स पोस्ट की थी, जिसमें वह काफी खुश भी नजर आ रही थी। सूचना मिली कि एक लड़की जो है एक्वाडक्ट पुल से जो है नीचे कूद गई है, और तुरंत जो है ब्रिज के नीचे गए पैदल पैदल, और नदी के बीच में जब आए और यहाँ पर जो है लड़की को उठाया तो उसको की को चेक किया तो वो लड़की जो है उसकी सांसें चल रही थी। शॉर्ट एम्बुलेंस जो है यहाँ इलाज के लिए जो है बड़वा हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पे डॉक्टर साहब द्वारा जो है लड़की को मृत कर, जो चश्मदीद वहाँ पर खड़े थे वो बता रहे थे कि ये एक्टिवा गाड़ी जो है लड़की की है, और उनके पिताजी भी, लड़की के पिताजी भी वहाँ पर उपस्थित थे। इलाज के लिए जो है लाने के लिए हम लोग पूछताछ नहीं कर पाए हैं, और अब इसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बताई जाएगी।